हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको आज पता है कि आज है मजदूर दिवस। जी हाँ, मजदूर दिवस में भोजपुरी फिल्म स्टार रहे शिवनाथ साहनी लॉकडाउन में दिल्ली के अंदर फंसे हुए हैं। जी हाँ, 12 दिन भूखा रह करके उन्हें समझ में आया कि गरीब कितने पीड़ित हैं। जी हाँ, जैसे उनको पता चला कि आज मजदूर दिवस है, उन्होंने फल फ्रूट का वितरण यानी फ्रूटी का वितरण पहाड़गंज से लेकर राम मनोहर लोहिया तक सभी लोगों से संपर्क साध करके उन ज़रूरतमंदों गरीबों को फ्रूटी का वितरण किया अपने हाथ से। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में शिवनाथ साहनी अपने साथियों के साथ गए और वहां पे फ्रूटी का वितरण करते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हैं शिवनाथ साहनी, भोजपुरी फिल्म स्टार। आशिक बनाया आपने इस फिल्म में इन्होंने दरोगा का भी किरदार निभा चुके हैं। जी हाँ, 12 दिन भूखे रहने के बाद जो गरीबों के साथ उनका दर्द छलका, उसे लेकर के आप देख रहे हैं। आए दिन इस लॉकडाउन के अंदर लगातार इन्होंने भोजन वितरण, फल वितरण, बिस्कुट वितरण, ये आए दिन करते रहते हैं। इन्हें बस पता चलने की देर है कि गरीब की कौन सी बस्ती है, ज़रूरतमंद कहाँ बैठते हैं, वहाँ ये पहुँच जाते हैं अपने साथियों के साथ। शिवनाथ साहनी भोजपुरी सीने स्टार, जी हाँ, भोजपुरी सीने स्टार शिवनाथ साहनी का सराहनीय कदम। आप देख सकते हैं जिस तरीके से फ्रूटी वितरण गाड़ी रोक करके भी लोगों को देते आ रहे हैं और दिल्ली के उन इलाकों में पहुंच जाते हैं जहां हर समाज के गरीब मिलते हैं, उन्हें ये ढूंढते रहते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कतार लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है इनके हर वितरण के अंदर। देख सकते हैं आप किस तरीके से इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया है और लाइन लगा करके, कतार लगा करके लोग खड़े हैं जहां पर ये फ्रूटी का वितरण हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रूटी के पैकेट लेकर के किस तरीके से बच्चे, अबोध बालकों को फ्रूटी देते हुए मिले हैं सीने स्टार शिवनाथ साहनी, जो भोजपुरी कलाकार के नाम से पूरे बिहार में प्रसिद्ध हैं, वही है शिवनाथ साहनी। आप देख सकते हैं किस तरीके से। आइए हम लोग जानना चाहेंगे कि कितने दिन से और कब कहां से कितने लोगों को शिवनाथ साहनी अपना फ्रूटी वितरण कर पाए हैं, इस की जानकारी लेते हैं खुद शिवनाथ साहनी से। तो आइए हम आपसे मिलवाएंगे अभी भोजपुरी सीने स्टार शिवनाथ साहनी। आशिक बनाया आपने जैसे फिल्म में इन्होंने दरोगा का भी किरदार कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ ये दरोगाई करते आ रहे हैं किस तरीके से, फल फ्रूट और बिस्किट के साथ। तो आइए हम सुनेंगे जरूर अभिनेता शिवनाथ साहनी को। जी हाँ, आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं बिहार की धरती से आए शिवनाथ साहनी सीने स्टार शिवनाथ साहनी, भोजपुरी फिल्म स्टार शिवनाथ साहनी से जानना चाहेंगे। आ चुके हैं शिवनाथ साहनी, आप देख सकते हैं शिवनाथ साहनी क्या कुछ कहने जा रहे हैं। देखिए सर, आप सभी का स्वागत है। शिवनाथ साहनी क्या कुछ कहने जा रहे हैं, आइए शिवनाथ साहनी जी। देखिए, सबसे पहले तो मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी मजदूर को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मजदूर जो है उसको ऐसे ही मजदूर दिवस नहीं, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है मजदूर को। जैसे कि अमेरिका में मजदूर अपनी आवाज़ उठाई थी जिस समय, तो अमेरिकन सरकार द्वारा जो गोली चलाई गई थी जिस समय काफ़ी मजदूर मारे गए थे, वो सरकार देखते हुए मजदूरों को एक दिन का 1 मई का मजदूर दिवस मनाया गया, घोषणा की गई, जो पूरे विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मजदूर की जो समस्या है हमारे भारत में, वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। जो मजदूर की समस्या है, मजदूर की समस्या ये कोरोना वायरस की वजह से हुई है और आए दिन इसकी समस्या चलती रहती है। मजदूरों की जो समस्या है उस पर सरकार काम कर रही है, सरकार तो खिला रही है, बट जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो बीबी बच्चों के साथ रहते हैं, उनको बिस्किट खाने की, फ्रूट खाने की, चॉकलेट खाने की ये इच्छा होती है। सरकार तो चावल देती है, दाल देती है, खिचड़ी देती है, खाना खिलाती है, बट कुछ बच्चे हैं वो चावल खिचड़ी से नहीं मानते हैं, उनको बिस्किट की ज़रूरत पड़ती है, फ्रूटों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मद्देनज़र रखते हुए मैं शिवनाथ साहनी आज मज़दूरों के लिए, उनके बच्चों के लिए बिस्किट फ्रूट का इंतज़ाम किया हूँ।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे को खुश देखकर कि आज बच्चे इतने खुश हैं। पार्टी राजनीति करती है मजदूर को लेकर के, कोई भी पार्टी को जब भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो सबसे पहले मजदूर याद आते हैं, कहीं सभाएं लगाना होती है तो वो मजदूर याद आते हैं, कहीं इलेक्शन में प्रचार प्रसार करना होता है तो मजदूर याद आते हैं। आज मजदूरों की समस्या कोई पार्टी नहीं देख रही है, राजनीति कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हम सक्षम नहीं है बिहार के मजदूर को लाने के लिए, तो 15 साल उनको जनादेश दी जनता, जो मजदूर जनादेश दी उनके लिए वो सक्षम नहीं है, आए दिन बाढ़ के लिए सक्षम नहीं है, स्कूल के लिए सक्षम नहीं है, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो लचर हो चुकी है, वहीं बाढ़ से जो पीड़ित होते हैं हमारे बिहार के लोग उसमें भी बिहारी को भुगतना पड़ता है, सूखा ग्रस्त होता है हमारा राज्य उसमें भी बिहारी को भुगतना पड़ता है, वहाँ से दूर आकर के बीवी बच्चों के साथ रह करके काम करते हैं दिल्ली में या अन्य प्रदेश में जाकर के बिहारी काम करते हैं, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है, जो बहुत ही सोचने का विषय है और सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। सरकार लॉकडाउन से पहले कोई तैयारी नहीं की, या भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, लॉकडाउन से पहले तैयारी करनी थी। लॉकडाउन WHO का जो निर्देश था 30 जनवरी को ही आ गया था कि कोरोना वायरस की वजह से महामारी हो सकती है, तो इस पर सचेत कर दिया था WHO ने, तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए था और सबसे पहले जो भी मजदूर है उनको रहने का खाने का इंतजाम करना चाहिए था, या प्रवासी मजदूर है उनको घर भेजने का काम करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया, लॉकडाउन अचानक कर दी गई। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार बिहारी मजदूर को लेकर के राजनीति कर रही है, कभी कहती है कि हम बस देंगे, कभी कहती है कि हम ट्रेन देंगे, कभी कहती है कि हम खुद मजदूर चले जाए, तो मजदूर क्या करे ये सरकार के लिए सोचने का विषय। पार्टी लेबर के लिए जैसे आज देख लीजिए कि माननीय रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी, उनके पार्टी में एक मजदूर सभा है जिसको लेबर सेल बोलते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं रामजी सिंह जी हैं जो गया से बिलोंग करते हैं, 13,000 से ज़्यादा उनके यहाँ मजदूर है, उनके पार्टी में जब भी भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो मजदूर को यूज़ करते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे और भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। आज वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी घोषणा करती है भारत सरकार उसमें चिराग पासवान जी दौड़ के आते हैं, ट्वीट कर देते हैं। आज देख लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिहार के जो मजदूर हैं या अन्य राज्यों में फंसे हैं उसके लिए 5 किलो चावल की योजना दी है उन्होंने, फ्री देने की योजना की है। आप बताइए 1 किलो गेहूं का कीमत है 18 रुपया और 5 किलो का हुआ 90 रुपया, 1 किलो दाल की कीमत होती है 60 रुपीज़, टोटल मिला के 150 रुपये का फ़ायदा होता है एक व्यक्ति को एक महीने में, तो 3 महीने का राशन फ्री देती है राज्य सरकार और बिहार सरकार और भारत सरकार, तो 450 रुपये का बेनिफिट होता है गरीबों को, जबकि उसका खर्चा भी देख लीजिए 450 रुपये का 3 महीने में तो आपने बेनिफिट दिखा दिया, बट उसका खर्चा ये होता है कि हमारी जो आशा दीदी काम करती हैं, यहाँ जो महिलाएँ हैं जो काम करती है, वो 35 रुपया का खर्चा आता है फॉर्म फिलअप करने में राशन कार्ड बनाने के लिए, और वो अनुमंडल में दिया जाता है कार्ड बनाने के लिए या प्रखंड स्तर पे दिया जाता है, तो वहाँ कहा जाता है कि कार्ड बनाने में जून तक का वक्त लगेगा, अगर आपको जल्द ही कार्ड बनवाना है आज या 1-2 दिन में ही बनवाना है तो इसके लिए 500 रुपये का खर्च पड़ेगा, तो टोटल खर्च 535 रुपये का पड़ता है मजदूर को, और फ़ायदा कितने का होता है 3 महीने में 450 रुपये का। तो सरकार बेवकूफ़ बनाती है जनता को, और सरकार इम्तिहान ना ले मजदूरों का, क्योंकि मजदूर जब गुस्से में आएगा, मजदूर जब अपने पे आएगा तो सरकार को सोचना पड़ेगा। नियम रखे, कोरोना वायरस का ध्यान रखे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करे, इस सरकार से उम्मीद नहीं करे, क्योंकि इस सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सेल्फ डिपेंड हो जाए तो सेल्फ डिपेंड रहिए, और हर जो मजदूर है हमारे भारत के वो हर कठिन से कठिन जो समस्या है उसे निपटने के लिए तैयार रहती है, तो ये भी समस्या निपट जाएगा।